क्या किया तुमने? हमारे साथ ही क्यों? शायद तुमने किया है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से मूर्ख मेरी पूछ निकल आई है। मैं सुंदर थी, मैं एक हीरा थी और अब मैं एक मछली हूँ। रोना बंद करो। हे, तुम पागल हो क्या टीना? तुम दोनों बहुत फनी हो। हे, तुम हमारा वीडियो बना रही हो? हाँ। क्या नौटंकी है। तुम्हारी वजह से ही हम ऐसे हैं। तुम हम पर हंस रही हो? हाँ, सही कहा। ये मेरी गलती कैसे है? क्या तुम्हें याद है कि हम ऐसे कैसे बने? हाँ। वाओ, उनके लिए मैं ही खाना क्यों पकाऊं? क्या हम आसानी से ऑर्डर नहीं कर सकते थे या फिर जादू से बना लेते? मैं आखिर क्या बनाऊं? यहाँ कुछ नहीं है। छुओ मत। क्या मैं इस लेवल की बात मानूंगी? मैं इसे ट्राई करूंगी। क्या हो रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? खाना अभी तक क्यों नहीं बना है? तुम्हें पता है ना, मुझे मेरा सैलेड चाहिए। मैं भी पका रही हूँ, तुम प्रॉब्लम क्यों बन रही हो? ये क्या है? ये एक सच में हेल्दी ड्रिंक है, पर शायद, मुझे पक्का नहीं पता, मुझे बस मिला है। याक, मैं किसी भी अनजान चीज को नहीं पीने वाली हूँ। पर देखो कितना सुंदर है ये। और इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। ठीक है, ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट है। मैंने बोला था, तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं कुछ बकवास ही लाती हूँ। अक्सर तुम वही लाती हो। ओह, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे भी। ओप्स, ये ड्रिंक मेरी हालत खराब कर रहा है। मुझे बस यही याद है कि मेरी कोई गलती नहीं है। निया, हमने तुम्हारा बकवास ड्रिंक पिया, हम जल परी बन गए। हाँ, सही कहा तुमने। मैं हर वक्त ऐसे जल परी बन कर नहीं रह सकती। ये सब मेरी गलती है। जब भी प्रॉब्लम होती है तुम रोने लगती हो, पता नहीं क्यों। हम और कर भी क्या सकते हैं? हमें पता लगाना होगा कि इससे बाहर कैसे निकले। मुझे डेट से पहले स्टोर पे भी जाना है। डेट से पहले? क्या तुमने क्रिस से ब्रेकअप नहीं कर लिया था क्योंकि वो दीवाना और बहुत चिपकू था? तो क्या इस दुनिया में क्रिस ही बचा है? नहीं यार, पिछले एपिसोड में टीना और मुझे दोनों को बॉयफ्रेंड चाहिए था और अब तुम्हारा एक और बॉयफ्रेंड है। ओ हाँ। हे दोस्तों, क्या आप लोगों ने हमारा पिछला एपिसोड देखा है? पहले पार्ट का लिंक वीडियो के नीचे है। हाँ, मेरा नया बॉयफ्रेंड है। तो क्या? तो क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। हमारी पूछ गायब हो गई। उम्मीद है वो दोबारा नहीं आएंगी। हाँ, मुझे भी। मैं अपने डेट पर मछली तो नहीं बनना चाहती। है क्या तुम हमें नहीं बताओगी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। क्या मजाक है? पापा, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने आपको कोयला बना दिया। ठीक है, मैं इसका बदला लूंगा। मैं जरूर बदला लूंगा। भरोसा नहीं होता। इस शहर में तो लेडीज कपड़ों से ज्यादा आदमियों के कपड़े बदतर हैं। कुछ नॉर्मल नहीं है। ये टी शर्ट बुरी नहीं है, लेकिन कलर पसंद नहीं है। ये सही है। नहीं, फिर से नहीं। अरे नहीं, कोई आ रहा है। अरे
बिल्कुल ही बकवास, मुझे खुद अजीब लगा। सुनो, क्या ये वही लड़की नहीं है जिसने क्रिस को तुमसे छीना? ईवा जैसी लगती है। ये वही है, मैं इसे अभी सबक सिखाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ मुझे परेशान करने आई हो? तुम होश में नहीं हो क्या? तुम दरवाजे से बाहर क्यों नहीं चली जाती? तुमने क्रिस को मुझसे छीन लिया, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगी? क्या कर रहे हो? क्या एक ही ड्रेस दोनों को पसंद आ गई? नहीं, तुम्हारे स्टोर पर एक पागल औरत आ गई है। यही पागल है, मैं जमीन पर नहीं बैठती। मुंह बंद रखो। तुम कपड़े का क्या कर रही हो? तुमने इन्हें जमीन पर क्यों फैला दिया? मुझे जरूरत थी। तुम्हें पता भी है ये कितने महंगे हैं? इस नुकसान के लिए मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ, इस बेवकूफ को जेल में डाल दो, फिर ये कभी बॉयफ्रेंड को नहीं चिढ़ा पाएगी। पुलिस को मत बुलाना, मैं पैसे दे दूंगी। हाँ, ये क्या है? खोलो इसे। मैं ये सब खरीद रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपका। इतने में तो आधा स्टोर आ जाएगा। तुमने ये कैसे किया? हाँ, ये पैसे कहाँ से आए? क्या इनसे पीछे छुड़ा सकती हो? फिर मैं पूरा स्टोर खरीद लूंगी। जरा रुकिए। अरे, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। निकल जाओ यहाँ से, स्टोर बंद हो चुका है। वो कहाँ है? इन्फ्यूरेटिंग। तुम प्लीज ईवा और मेरे रूम को बिगाड़ना बंद करोगी? हाँ, ईवा ने मेरी लिपस्टिक ली थी और अब वो मुझे नहीं मिल रही है। तुम्हें लिपस्टिक की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। चुप रहो। वो लिपस्टिक कहाँ है? और ये क्या गिफ्ट है? ये तुम्हारा है? और ये क्या है? मैं आज 3 बजे पार्क में बेताबी से तुम्हारा इंतजार करूंगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कौन किसका इंतजार कर रहा है? तुम कितनी बेवकूफ हो। जाहिर है ये ईवा का नया बॉयफ्रेंड ही होगा। ओह, ये बात है। पर फिर अब समझ में आया वो कहाँ है। ईवा हमें नए बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताएगी तो हम खुद ही पता लगा लेंगे इसका। तो हम उनका पीछा करेंगे। बढ़िया, जैसे मूवीज में होता है। जासूस मिया और टीना, शानदार। अब मैं मेकअप लगा लेती हूँ, शायद ईवा का बॉयफ्रेंड पट जाए। ये सही नहीं है, मुझे पहले लिपस्टिक लगाने दो। रुको, सारा मेकअप कहाँ है? अरे नहीं, हम मेकअप नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। वाओ। हाँ? नहीं, फिर से नहीं, ये पूछ फिर से क्यों आ गई? ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है कि तुम ईवा के बॉयफ्रेंड को पटाओ। तुम पागल हो क्या? ये कॉस्मेटिक्स मेरे जादू से आए हैं, इसका मतलब मैं पहले लगाऊंगी। पहले तुम रिंग लो। रुको। पहले मैं। मैंने हमेशा से स्टेट का इंतजार किया है। हम तो कल ही बाहर गए थे। तुमसे 5 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। वैसे तुम्हारे लिए एक तोहफा है। अरे, तुम्हारा मिलना ही सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए। इसे खोलो। वाओ, कितना अच्छा है, मेरा फेवरेट कलर है। सच में? इसका मतलब हमारा एक ही फेवरेट कलर है। शानदार। हाँ। ओ, वो रही ईवा। ईवा, शांत रहो, पहले हमें इस लड़के को अच्छे से देखना है। ओके। वाओ, ये तो पिछले वाले से अच्छा दिखता है। ईवा को सबसे अच्छा ही मिलता है। अभी बताती हूँ।
ये क्या था? ओह, ये क्या था? हाँ, हीरे? नहीं, मैं छूट गई। ये क्या है? ये पावर तो बहुत ही अजीब है। हाँ, ये पूछ तो उसके मन से ही आती जाती रहती है। यहाँ क्यों बैठी हो तुम? मुझे घर ले चलो। मुझसे नहीं होगा, तुम बहुत भारी हो। मैं रुई की तरह हल्की हूँ, तुम कमजोर हो। फिर ईवा को बुलाओ। इस पूछ के गायब होने तक मैं किसी झाड़ के नीचे नहीं बैठूंगी। हाँ, मैं समझ गई ये हीरे कहाँ से आए हैं। ईवा, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा मतलब तुम मेरी डेट बर्बाद करना चाहती हो, है ना? वो हीरे वाली कहाँ है? मैं उसे सबक सिखाऊंगी। वो सेब के पेड़ के पीछे है। ईवा, हमें अभी तुम्हारी मदद चाहिए। वो अभी जलपरी बन गई है, हमें उसे घर ले जाना होगा। तुम हमेशा सब बर्बाद करती हो। ठीक है, मैं मदद करूंगी। मैं नहीं चाहती डालू को मेरे जलपरी होने का पता चले, वो यहाँ से भाग जाए। सॉरी, मुझे मेरी बहनों की मदद करनी होगी। हमारी डेट का क्या? फिर कभी, सॉरी। बिल्कुल, मैंने सही सोचा था कि ईवा और उसकी बहन स्टोन गर्ल्स हैं, और मैं उनसे कुछ हीरे इकट्ठा कर लूंगा। क्या नाटक है। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल पागल है। हाँ, उन्होंने हमारे फेवरेट स्टोर से बाहर निकाला। हाँ, पर ठीक है, मैं बदला तो लूंगी। बढ़िया, मुझे बदला पसंद है। लेकिन हमें ये चतुराई से करना होगा। तुम्हें उनका भरोसा जीत के उनकी कमजोरी पता करनी होगी। कब से शुरू करेंगे? अभी से। मेरा फोन कहाँ है? अरे शांत हो जाओ, ये बस रबर है। क्या ये तुमने रखा था? और क्या नहीं। तुम्हारे प्रैंक्स पुराने हो रहे हैं। सुनो, मुझे पता है सांप का क्या करना है, या फिर मैं अपने पापा को बोल दूं, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। अरे नहीं, कोई भी, बस वो नहीं, मेरी पूरी साल ही खराब हो जाएगी। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, इसे ईवा के बारे में सब कुछ बता दो। ओह, अच्छा आइडिया है लिली, यही करते हैं। क्या तुम ईवा का पीछा करने के लिए मुझे भेज रही हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारा कैफे में इंतजार करूंगी पूरी रिपोर्ट के साथ। हाँ, ये तो अफसर का दर्द बन गया। तुम दोनों ने डायलन के साथ मेरी डेट को बर्बाद कर दिया। तो ये नाम है उस हैंसम का। तुम पागल हो क्या? तुम मेरा बॉयफ्रेंड चुराना चाहती हो? फिर तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, हमारे पास नहीं। तो दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढो, मेरा बॉयफ्रेंड क्यों लेना चाहती हो? वो तुम्हारे लिए नहीं है, हम उसके साथ ज्यादा अच्छे लगेंगे। क्या? मैं ये भूल जाऊंगी कि हम सब बहने हैं और तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी। चिल्लाओ मत, तुम साइको हो। अब मैं ये और नहीं सहूंगी। मैं भी जाती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ इनसे, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। मजा आएगा। वो गुस्से में है, और ठीक भी है। जैसे ही डायलन मुझे देखेगा, वो ईवा को छोड़ देगा। अपने सुंदर मुखड़े पर चमक बिखेर देती हूँ मैं अब। कितना बड़ा पिंपल! हद है, इसका मतलब तुम इसकी बजाय पिंपल से डरी, वैसे कोई पिंपल नहीं है। मुझे ऐसा ही लगा, लेकिन सच में चेहरे पर पिंपल किसी राक्षस से कम नहीं होता। अजीब है यार, आम लोगों की तरह डर भी नहीं सकती। ये शानदार रहेगा, चल परी बनकर पूल में आराम करती हूँ। शानदार आइडिया, अब बस जल परी बनना है।
मैं जल परी बन जाऊं। अरे नहीं, पूछ उग जा। ये क्या, उग जा जल्दी, मुझे आराम करना है, मुझे पूल में लेटना है। सीरियसली, क्या अजीब सी पावर है, मेरे वश में ही नहीं है। कम से कम ड्रिंक तो है। ये कैसे, ये मिया, तुमने ये क्या किया? क्या मतलब है तुम्हारा, मैं आराम कर रही हूँ, तुम भी आ जाओ। तुम पागल हो क्या, हम गेस्ट हाउस में हैं और तुम यहाँ जलपरी बनकर पड़ी हो। ईवा, तुम फिर मुझ पर चला रही हो, तुम्हारे चलाने से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। जरा देखो इसे, देखो। मैं यहाँ पागल है, तुम ऐसे पूल में कैसे लेटी हो जिसमें पानी ही नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आता, कोई इसे देख सकता है। ये काफी था कि हम स्टोन हैं, लेकिन अब हम जल परियां हैं, हम पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स? मैं नहीं चाहती मुझ पर कोई एक्सपेरिमेंट करे। हाँ? नहीं, ये नेट है, क्रिस का क्लासमेट। हम उसे अंदर नहीं आने देंगे। टीना, तुम उसे बातों में लगाओ, तब तक मैं मिया को यहाँ से निकालती हूँ। क्या, लेकिन मैं क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे प्यार में पागल है। जल्दी करो। हे लड़कियों, तुम लोग छुपी हुई क्यों हो? हाय नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय टीना, मुझे तुम्हारी सिस्टर से मिलना था, ईवा से। बहुत बुरा हुआ, मुझे लगा तुम मेरे लिए आए हो। रुको रुको रुको, मैंने अपना मन बदल लिया, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। पता था। तो हम क्या सच में आज डेट पर जाने वाले? हाँ बेशक, लेकिन कभी और। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे ईवा कहाँ पर? वो बिजी है, उससे बाद में बात कर लेना, अभी घर जाओ। पर मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा जाओ। बहुत बढ़िया, एक फ्लाइंग केस। मैं तो अपने गालों को महीनों तक नहीं धोने वाला। बढ़िया, अब जाओ यहाँ से। पर हम लोग डेट पर तो जाएंगे ना? हाँ 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 बिल्कुल। मिया, तुम्हें चॉकलेट खाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन मुझे वो पसंद है, मैं चॉकलेट के बिना नहीं रह सकती। निकलो जल्दी। मैं कोशिश कर रही हूँ, इस पूंछ के साथ बहुत मुश्किल होता है। ईवा, तुम कहाँ हो मेरी डार्लिंग? ये तो डायलन है। अरे नहीं नहीं, वो मुझे ऐसे नहीं देख सकता, अगर उसे पता चला तो वो मुझे छोड़ देगा। ईवा, मैंने पहले तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। उसे किसी बात में उलझाना पड़ेगा। हाय, मैंने पूरे गेस्ट हाउस में तुम्हें ढूंढ लिया। और मैं बस तुम्हारे पास ही आ रही थी। वो ये क्या, एक जलपरी? ये मेरी बहन मिया है, वो तो जलपरी की एक्टिंग कर रही थी, तो इसने अपने आप को खुद ऐसा बना लिया है। हाँ, उसे परेशान नहीं करते, मेरे रूम में चलते हैं। तुम बहुत फनी हो। ओह हाय, तुम डिलन हो ना? और मैं हूँ टीना। मिलकर अच्छा लगा। ओह हे भगवान, बॉडी अच्छी बनाई है। टीना, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने क्या किया? मेरे बॉयफ्रेंड को छूने की हिम्मत कैसे की? मिया के पास जाओ। डायलन, चलो चले। आखिरकार हम रूम तक पहुंच गए। ये काफी अच्छा है। ये उतना साफ नहीं है क्योंकि मिया भी यहाँ रहती है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। क्या है, क्या हुआ? मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ बैठो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ले आओ। वो चली गई फाइनली। आखिरकार अब मुझे सारे राज पता चलेंगे, लेकिन पहले मुझे वो हथियार ढूंढना होगा जिससे मेरे पापा को बदला।
उम्मीद है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मुझे ईवा के लिए लव नोट छोड़ना है। हाँ, और वो नोट कहाँ है? उप्स, लगता है मैं घर भूल गया। नहीं, मैं समझ गई थी, तुम कुछ ढूंढ रहे थे। ईवा! शांत शांत, मैं उसे सब बता दूंगी। नहीं रुको, नहीं। मिया जल्दी, वो कहाँ है? कौन वो? कैसे वो? दवाइयाँ, डायलन बीमार है। मुझे नहीं पता दवाइयाँ कहाँ है। बर्गर खाना बंद करो, ढूंढने में मेरी मदद करो। ठीक है ईवा, मेरे साथ आओ। बस ये मत कहना कि डायलन बुरा है। अभी नहीं, लेकिन हो सकता है उसने तुम्हें धोखा दिया है। धोखा? कैसे? मैंने डायलन को तुम्हारी चीजों की तलाशी लेते देखा, वो कुछ तो ढूंढ रहा था। सच में? क्या बकवास है टीना, डायलन ऐसा नहीं है। नहीं, आओ खुद देख लो। मैंने उसे रूम में लॉक कर दिया ताकि वो भाग न सके। चलो। Hey, और मैं? मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मेरे लिए रुको। अरे खुल क्यों नहीं रहा है ये? लगता है खिड़की से भागना पड़ेगा। ये देखो, वो खिड़की से कूदने जा रहा है। डायलन, मुझे समझाओ यहाँ क्या हो रहा है। मैंने बस खिड़की खोली, बस थोड़ी शुद्ध हवा लेने के लिए है। लेकिन ईवा तो दवाइयाँ ढूंढ रही थी, तुम तो बीमार थे। हाँ, लेकिन मैंने थोड़ी शुद्ध हवा ले ली है तो मैं अब ठीक हूँ। वो झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत सुनो। ईवा, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? पता है तुम्हें, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये रिलेशनशिप खत्म। मुझे माफ कर दो डायलन, ये टीना की गलती है। तुमने डायलन के बारे में ऐसा कैसे बोला? वो सच में कुछ तो ढूंढ रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं यहाँ से चले जाता हूँ, यही सही होगा। ओह डायलन, डायलन, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती क्यों? तुम्हें किस पर भरोसा है? मैं तुम्हारी बहन हूँ और उसे तुम एक हफ्ते से जानती हो। हाँ, मेरी बहन जो मेरा बॉयफ्रेंड चुराना चाहती है, मेरी डायलन से लड़ाई का फायदा तुम्हें मिलेगा। नहीं। वेल, मुझे टीना पर भरोसा है, डायलन कुछ अजीब है। कहीं वो शिकारी तो नहीं? तुम पागल हो क्या? हमने शिकारी को कोयला बना दिया था, वो अब नहीं है। तुम्हें बस मुझसे जलन है। वो नेट कहाँ है? उसे तो यहाँ 20 मिनट पहले आ जाना चाहिए था। शायद उसने अपना इरादा बदल दिया हो। मैं उसका दिमाग बदलूंगी और फिर मेरे पापा उसे सबक सिखाएंगे। हाय। आखिरकार बैठो तुम। तो क्या पता चला? कहाँ पर? बताओ ईवा के बारे में क्या पता लगाया? वैसे कुछ भी नहीं, बस इतना पता है कि उसकी बहुत ही खूबसूरत बहन है। तुम्हारा दिमाग खराब है। बहुत हुआ, अगले 1 घंटे में पता करके आओ वरना मैं अपने पापा को कॉल कर लूंगी। तुम्हें जो भी करना कर लो, मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की मुझ पर ऑर्डर चलाए। बेवकूफ। हाँ ठीक है, मैं खुद ईवा से बदला लूंगी। लो आ गई वो। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे, जाओ यहाँ से। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? माफी मांगो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम पकाओ मत। भयानक है। क्या हो गया? इतने सारे मुहासे, निकालो इसे यहाँ से। बिल्कुल नहीं। ये बेवकूफ पूछ फिर से आ गई। ये एक जलपरी है। अरे ये क्या? कितनी अजीब है। मैं फोटो ले लेती हूँ और टिकटॉक पे डाल दूंगी और खूब सारे व्यूज भी मिलेंगे।
और आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और हमारे टिकटॉक को सब्सक्राइब करें। बेवकूफों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आ, आ, आ। हम ये फोटो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को दिखाएंगे और वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ? बुरा लग रहा है। क्या हो गया? कहीं तुम्हारा फिर से खाना तो खत्म नहीं हो गया? नहीं, मुझे ईवा के लिए बुरा लग रहा है। वो डालन के साथ कितने खुश थी और अब वो ईवा के लिए परेशान है। सच में वो नाराज है? क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें क्या बताया था? शायद वो तुम्हारा भ्रम हो। वो बहुत अच्छा लड़का है। सच में अच्छा? तुमने भी तो उसे अजीब कहा था। वो तो यूं ही बोल दिया था, चलो उन्हें मिलाते हैं और लड़के पर नजर रखते हैं ताकि वो कुछ गलत ना कर पाए। मुझे नहीं पता। प्लीज। ठीक है, तो हम उसे कॉल करते हैं। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ, ईवा के फोन में था। क्या प्रॉब्लम है? मेरा फोन अचानक इतना बकवास कैसे हो गया? ये हमेशा से ऐसा ही है। मैं इसे ठीक करती हूँ। वाओ, कूल। हाँ, अब ठीक है। फिर से कुछ हो रहा है। ये पूछ हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आ जाती है? मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है। जब भी हम जादू करते हैं हम जलपरी बन जाते हैं। सही कहा, तुम इतनी भी मूर्ख नहीं हो। सही कहा। वो देखो, ईवा का बॉयफ्रेंड। हाँ वही है, चलो उससे बात करें। हाय। हाय। हाय, तुम कौन हो? वो जरूरी नहीं, जरूरी वो है जो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड का सीक्रेट पता है। नहीं, उससे दूर रहो। उसे फोटो मत दिखाओ। तुम लेट हो गई। तुम एक जलपरी हो। तुमने देख लिया। अब तुम फंस गई बेवकूफ। अब तुम मुझे छोड़ दोगे है ना? बिल्कुल नहीं। पहले तुम रूबी थी, अब जलपरी हो। शानदार है। खुश हो? रुको, तुम्हें पता था मैं रूबी हूँ? हाँ, और तुम्हारी बहन है एमरल्ड और हीरा। तुम्हें कैसे पता लगा? क्या टीना सही थी और तुमने इसलिए मुझे डेट किया? नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? ये तो क्रिस ने बताया। वो बेवकूफ, मैंने उसे किसी को भी बताने से मना किया था। क्या फर्क पड़ता है? इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं तुमसे। तो फिर डेट पर चले? बिल्कुल, लेकिन इस बार मेरे घर पर। बढ़िया। आखिर आई गई मेरी पकड़। मिया जल्दी चलो, अभी चलना है। और हम तो तुम्हारी पूंछ गायब होने का इंतजार कर रहे थे। ओ चलो भी, हमें डिलन को ढूंढना है। वो और ईवा फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं आ गया। ओ नाइस, तुम यही मिल गए। हाँ, मुझे तुमसे उस बात के लिए माफी मांगनी है। मुझे ही कुछ भ्रम हो गया था, तो तुम ईवा पर नाराज मत होना, ये उसकी गलती नहीं थी। ईवा और मेरी बात हो गई है, वो और मैं फिर एक हो गए। तुमने सब कुछ ठीक कर लिया, शानदार। फिर हमें ईवा से मिलवाओ। नहीं, ईवा तुमसे नहीं मिलना चाहती है। क्या? हाँ, वो बहुत दुखी है और तुमसे नहीं मिलना चाहती। चलो कम से कम कॉल पर ही बात करा दो। हाँ, शायद वो हमें माफ कर दे। जरूरत नहीं, ईवा ने कॉल करने के लिए मना किया है। सब ठीक हो जाने पर वो तुमसे मिलेगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। सिर्फ एक बार मुझे बाहर जाने दो, वरना जादू करो, जलपरी बनो और यहीं सड़ती रहो। आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? तुमने खुद ही तो मुझे सब बताया। बेवकूफ लड़की इतना भी नहीं समझती कि ये सब जादू की वजह से हुआ है।
मुझे यहाँ से बाहर जाने दो प्लीज। तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरा काम ना कर दो। अरे ईवा हमें माफ करेगी, मुझे बुरा लग रहा है। हाँ टीना, तुमने मेरी चॉकलेट खा ली। तुम्हारी चॉकलेट गई भाड़ में। हमारी बहन हमसे बात नहीं करना चाहती और तुम्हें खाने की पड़ी है। फिर पता लगाते हैं कि वो कहाँ है। क्यों ना हम डिलन के घर ही चलें? फिर हम किसी से पूछ लेंगे। चलो चलें। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम अभी भी नहीं समझी? कोयला? क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि तुमने किसको कोयला बनाया था? ये तो शिकारी था, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरे पापा है। तो तुम बदला लेना चाहते हो? अरे नहीं, मदद करो, कोई तो आओ। ये डिलन का घर कहाँ है? हमने आधा शहर तो छान लिया है। कोई तो मदद करो प्लीज। ये आवाज यहाँ से आ रही है। हमारी बहन को जाने दो वरना तुम पछताओगे। लड़कियों शांत हो जाओ, सब ठीक है। लेकिन तुम तो चिल्ला रही थी। हाँ मैं चिल्ला रही थी, लेकिन डायलन ने फिर सब समझाया। बताओ इन्हें। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे पापा एक शिकारी हैं और। शिकारी? तुम हमारी पावर लेना चाहते हो? मैं ये नहीं होने दूंगी। लड़कियों बस करो, डायलन सिर्फ अपने पापा को पहले जैसा करना चाहता है। बस वो यही चाहता है। पक्का? ताकि ये शिकारी फिर से हमारी जान का दुश्मन बन सके? नहीं, मैं वादा करता हूँ पापा फिर तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये सच है, डायलन की मदद कर देते हैं। मुझे नहीं पता। कर देते हैं, मुझे भरोसा है। ओह, तुम सब पर भरोसा कर लेती हो। टीना, मिया। आह, ठीक है चलो करते हैं। ये पापा, मेरे बेटे, तुमने मुझे बचा लिया। इन लड़कियों ने बचाया। बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ कर दो, मैंने इतने साल तुम्हें परेशान किया। वादा करता हूँ अब परेशान नहीं करूँगा। ये हुई ना बात। रुको, हमारी पूछ कहाँ गई? जादू करने के बाद हम जलपरी क्यों नहीं बने? क्योंकि तुमने अपनी पावर अपने लिए यूज नहीं की बल्कि दूसरों के लिए की। अब तुम कभी भी जलपरी नहीं बनोगी। ये! ये! वो हीरे वाली कहाँ है? मैं उसे सबक सिखाऊंगी। सेब के पेड़ के नीचे। क्या? मैं अपने गालों को महीनों तक नहीं दूंगा। क्या? मैं अपने गालों को महीनों तक नहीं दूंगा। Enough! टीना सही थी और अब तुम और तुम बस मुझसे जलती हो। आओ पड़ोसी से पूछते हैं, चलो इस साइड। सॉरी, मुझे दूसरा रोल याद आ गया। सॉरी।